हेलो 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 जी 4.1 तो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ नई ट्रांजेक्शन हैं। अच्छा, पहली ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 16,000। फर्स्ट एंट्री होगी कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सेकेंड, अच्छा सेकेंड है बॉड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम डब्ल्यू ई एम। सेकेंड इसकी एंट्री होगी परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट थर्ड है पेड रेंट बाय कैश। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट की नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस रेंट की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस होता। अच्छा, रेंट पे कर रहे हैं, एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होंगे? दो इफेक्ट्स बताइएगा क्या होंगे। इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट बता दें। इफेक्ट एसेट कम होंगे आपके और एक्सपेंस इंक्रीज होंगे। रेंट पे कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और कैश डिक्रीज हो। ठीक है, इसी तरह देखे नंबर। इसमें एक है 20 वाली, देखे पेड फॉर रिपेयर्स टू द बिल्डिंग। बिल्डिंग रिपेयर करवाई, इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? रिपेयर की नेचर क्या है? एक्सपेंस ही है ना, बिल्डिंग को रिपेयर करवा रहे हैं, गाड़ी रिपेयर करवा रहे हैं, फर्नीचर रिपेयर करवा रहे हैं, तो कोई भी चीज आप रिपेयर करवाएंगे तो वो आपको एक्सपेंस होगा ना। उसकी इसका इफेक्ट भी क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। तो 30 देखे पेड मोटर एक्सपेंस इन कैश, यहां भी क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। तो जब भी कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे? एक्सपेंस इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। अच्छा, थर्ड में हमने रेंट पे किया, उसका इफेक्ट क्या होगा? रेंट एक्सपेंस इंक्रीज और कैश डिक्रीज। अब एक्सपेंस के लिए रूल क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डेबिट में हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट एक्सपेंस और क्रेडिट हो जाएगा कैश। एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। नेक्स्ट फोर्थ है पेड 12,500 ऑफ द कैश ऑफ द बिजनेस इनटू अ बैंक अकाउंट। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डी अंबर। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, पेड क्रेडिट। ठीक, सेवन और स्टेशनरी 85 पेइंग बाय चेक। अच्छा, इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? इफेक्ट्स बताइएगा। सेवन वन और स्टेशनरी
ओके, तो स्टेशनरी आपकी क्या है? एक्सपेंस। जब भी आप स्टेशनरी बाय करेंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और एसेट आपका डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट बाय चेक है तो बैंक डिक्रीज होगा तो एंट्री बनेगी स्टेशनरी डेबिट एंड क्रेडिट। और याद रखिएगा स्टेशनरी की नेचर एक्सपेंस एसेट नहीं है, नेचर एंट्री तो वही बनेगी क्योंकि सिर्फ स्टेशनरी के एसेट भी डेबिट होता है एक्सपेंस भी डेबिट होता है, नेचर। नहीं आएगा नहीं परचेज नहीं आएगा, वो सिर्फ गुड्स के लिए। नेक्स्ट 11 कैश सेल्स। अच्छा इसने यहाँ सेंटेंस को शॉर्ट किया है, यह है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, शॉर्टकट कैश सेल। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। ठीक है, कैश डेबिट और सेल्स। अच्छा नेक्स्ट 16 है, रिटर्न गुड्स रिटर्न बाय अस टू WER। ये सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न। ये लिखे गुड्स रिटर्न बाय अस, हम रिटर्न कर रहे हैं टू WER को, हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न है। जबकि एंट्री होगी अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। एक्ट 17 सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू JR पर, तो ये एंट्री होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हो जाए। नेक्स्ट 20 पेड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग बाय कैश। अच्छा रिपेयर एक्सपेंस, एक्सपेंस आपके इंक्रीज होंगे और कैश डिक्रीज हो जाएगा ना, तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट रिपेयर एक्सपेंस और एसेट डिक्रीज क्रेडिट कैश हो जाए। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट एसेट डिक्रीज क्रेडिट। 22 डिसेंबर रिटर्न गुड्स टू अस। अब ये सेल्स रिटर्न होंगे, सेल्स रिटर्न हो गई ना, हाँ तो इसका एंट्री हो गया सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ सर कॉपी कर लें। और 27 पे WM बाय चेक। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट 28 कैश परचेजेस, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट हो जाए। ये कॉपी कर लें। अच्छा ट्वेंटी 30 पेड मोटर एक्सपेंस इन कैश, मोटर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आज 31 बॉट कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, कंप्यूटर या इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, इक्विपमेंट्स डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। रेडी कर रहे हैं।
अच्छा ये पिक्चर एंड फिटिंग्स या फर्नीचर एक ही बात होती, फर्नीचर पिक्चर फिटिंग्स। जी सेम। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन इस पे एक नई ट्रांजेक्शन है। 21 में लिखा हुआ रिसीव्ड रेंट बाय चेक फॉर सबलेट ऑफ कॉर्नर स्पेस। अब हमने अपनी जो बिल्डिंग थी उसकी कोई कॉर्नर स्पेस किसी को रेंट पे दे दी, जैसे ये फोटोकॉपियर है कॉर्नर पे, इस तरह किसी को स्पेस रेंट पे दी हमने, तो अब रेंट हमें रिसीव हो रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, इनकम या एक्सपेंस। अब हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम होगी ना, और ये हमें मिल कैसे रहा है, बाय चेक, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, बैंक इंक्रीज और आपकी इनकम इंक्रीज होगी। तो बैंक इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और इनकम इंक्रीज तो रेंट इनकम क्रेडिट हो जाएगी, रेंट रिसीव या रेंट इनकम क्रेडिट। पे थोड़ी कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हाँ तो पैसे आ रहे हैं तो पैसे डेबिट होंगे ना, पैसे आ रहे हैं। जी सेम। अच्छा इसमें लास्ट 31 भी एक नई ट्रांजेक्शन है, क्या लिखा, प्रोप्राइटर टू कैश फॉर हिज ओन पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर। अब उसने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकाला, यानी कि आपने बिजनेस से कैश निकाला, घर ले गए ना, तो बिजनेस में ये कैश कम हो गया, कैश डिक्रीज हुआ, और सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, कैश तो कम हो गया ना, सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस, इफेक्ट बताइएगा पहले, इफेक्ट एक्सपेंस, कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा। हाँ देखिए पहले वाली ट्रांजेक्शन पढ़े, इसके क्या इफेक्ट है, एसेट इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज। यहाँ पे क्या हुआ, घर से पैसे लाए, बिजनेस में इन्वेस्ट किए ना, अब यहाँ इसका रिवर्स हो गया, अब बिजनेस से पैसे वापस घर ले गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, पहले में कैश इंक्रीज कैपिटल इंक्रीज, और अब इसमें रिवर्स हो जाएगा, कैश डिक्रीज और कैपिटल डिक्रीज हो, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, कैश डिक्रीज कैपिटल डिक्रीज। तो अब एज पर रूल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल डिक्रीज डेबिट और कैश डिक्रीज क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते, इसके जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं और उसे नाम देंगे ड्रॉइंग्स का। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करते बल्कि एक नया अकाउंट बना लेते हैं, ड्रॉइंग्स के नाम से डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा बस में एक चीज याद रखिएगा, जब भी पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज, कैश डिक्रीज, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे उसको ड्रॉइंग के नाम। ठीक है, अच्छे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ड्रॉइंग इंक्रीज नहीं, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, कैश डिक्रीज क्रेडिट, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे उसको ड्रॉइंग के। ठीक है सर। जी 18 क्या समझा दो, समझा देते हैं।